मॉर्निंग स्टूडेंट, सो फिजिक्स कंटिन्यू करेंगे अभी हम लोग। दो वीडियो मैं फिजिक्स का रोज डाल रहा हूँ और दो केमिस्ट्री का मैं वीडियो डालता हूँ। कल से 12th क्लास भी स्टार्ट करते हैं। कई स्टूडेंट मैसेज किए थे तो कल से मैं स्टार्ट करता हूँ 12th क्लास। अल्टरनेट करेंगे हम लोग, अल्टरनेट एक अल्टरनेट 11th क्लास रखेंगे, एक अल्टरनेट 12th क्लास रखेंगे। सो दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों स्टार्ट करता हूँ मैं। 11th तो नियरली कम्प्लीट, सारा कंप्लीट ही है टॉपिक आपका, मेजर पार्ट कंप्लीट हो गया। थोड़ा मोड़ा जो जो छूटा हुआ वो मैं डिस्कस कर दूंगा आपको और कल स्टार्ट करेंगे 12th क्लास। उसमें भी रोज चार वीडियो रखेंगे हम लोग, दो फिजिक्स का दो केमिस्ट्री का। ओके, लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे रोटेशन। रोटेशन में मैं क्लास में बहुत सारा चीज़ें पढ़ा दिया था, मैंने आपको लेक्चर 1 में डिस्कस किया था कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया पूरा कंप्लीट, रोलिंग मोशन, स्लाइडिंग मोशन, एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, नाउ टोटल काइनेटिक एनर्जी, नाउ स्लाइडिंग का एनर्जी, सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आपका बचा हुआ था मोमेंट ऑफ इनर्सिया, टॉर्क एंड द एंगुलर वेलोसिटी, तीन टर्म बचा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एंगुलर मोमेंटम, बहुत सारा क्वेश्चन, और टॉर्क भी इंपॉर्टेंट है। इसी जैसा ही है, बनाने का एक ही तरीका, दोनों एक ही जैसे बनते हैं आपको। सो एंगुलर मोमेंटम, रोटेशन है, नीट में बहुत सारा क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम से, इससे 25 क्वेश्चन है नीट के अंदर, आईटी मेन के अंदर, एडवांस के अंदर बहुत सारा क्वेश्चन है। सो लेक्चर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया था। लास्ट क्लास मैंने लेक्चर 1 पूरा डिफिनेशन, यूनिट, डायमेंशन, वेक्टर, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने डिस्कस किया था। और लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे एंगुलर मोमेंटम फॉर 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन इन द स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए एंगुलर मोमेंटम, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 5 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है। दो मेडिकल का है, आईटी मेन का क्वेश्चन था, एक एडवांस का क्वेश्चन था, ये 5 क्वेश्चन है। प्लीज आप अभी इस वीडियो देखने से पहले इसको कंप्लीट करिए, 1 को, लेक्चर 1 को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अभी उसी का पार्ट है। अभी मैं 1D मोशन करूँगा, इसमें मुझे 10 क्वेश्चन डिस्कस करना था। सो लास्ट क्लास मैंने यहाँ तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक मैंने डिस्कस किया था लेक्चर 1 में। अभी मैं और कंटिन्यू करूँगा, फिर उसके बाद 1D की जगह फिर 2D मोशन। 2D मोशन में प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, 2D मोशन में नेक्स्ट इज अ सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, फिर हम लोग रोलिंग बॉडी के लिए पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका कोई रिलेशन नहीं पीछे वाले टॉपिक से, कोई रिलेशन नहीं। आप लेक्चर 1 में 100% समझ में आ जाएगा, आपको पूरा चीज़ें समझ में आ जाएगा। लेक्चर 1 के सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया पीछे का टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं 7 पॉइंट। एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन आपको करा देता हूं, एक लाइन में मैं समझा देता हूं आपको। नेक्स्ट पॉइंट करने से पहले मैं छोटा सा आपको ये बता दूं कि मैंने लास्ट क्लास क्या बताया था आपको। लास्ट क्लास मैंने ये बोला था कि अगर यहां से आप एक्स एक्सिस ले रहे हैं, ये वाई एक्सिस ले रहे हैं, मोशन जो है 1D मोशन, 1D मोशन इज स्ट्रेट लाइन पाथ, ये 1D मोशन हुआ, तो थोड़ा सा एक मिनट तो लगेगा, रिवीजन कर लेंगे हम लोग। मैंने बोला था कि एक मास है और इसका स्पीड है वी, या वेलोसिटी है वी, और ये है मेरा ओरिजिन, और यहाँ से मैं ले रहा हूँ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ से मैं ऐसे ले रहा हूँ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ऐसे डी ले रहा हूँ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन 1D लाइन, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन। सो अगर मुझे पढ़ना होगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, सिंपल फॉर्मूला एम वी डी लीनियर मोमेंटम, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन के लिए ये यूज करिए, आर क्रॉस एम भी। सो मैंने डायरेक्शन के लिए आपको बताया कि डायरेक्शन के लिए आपको वेक्टर यूज करना पड़ेगा। आप लोग बोलते हैं वेक्टर कैसे, वेक्टर आसान है, वेक्टर इजी है, ऐसे बना लीजिएगा ये वेक्टर आर, क्योंकि जानना है एग्जाम में आता है, डायरेक्शन जानना है आपको। और मैग्नीट्यूड तो ये है, मैग्नीट्यूड तो ये रहेगा, एंगल हो गया ये, एंगल थीटा हुआ, बट आपको आर, आर क्रॉस एम भी, राइट हैंड ये फोर फिंगर, चारों फिंगर आर की तरफ करिए, ऐसे क्रॉस, ऐसे करिए, आर क्रॉस वी, ऐसे, और डायरेक्शन चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं, हो गया।
या आपको लोग पूछते हैं नहीं हमको वेक्टर बताइए, वेक्टर फॉर्म में बना लेंगे ना हम लोग, वेक्टर फॉर्म में कर लेंगे, बोलेंगे कि यहाँ पे है एम है वी है डी है, वेक्टर फॉर्म में बताइए। तो इनवर्ट, इनवर्ट ये है एक्स है वाई है, अगर एक्स वाई रहेगा तो ये जेड है, जेड है, एक्स है वाई है, ये थंब मेरा जेड है, और बट ये डायरेक्शन किधर गया, इनवर्ट 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 इज व्हाट, जेड या माइनस जेड, माइनस जेड, माइनस जेड का मतलब माइनस वेक्टर के। सो एग्जाम में हो सकता है ऐसे पूछ दें वेक्टर फॉर्म में। तो हम लोग ये सब पढ़ चुके थे, ये हो गया। सो मैग्नीट्यूड में एम भी डी लिखें, या आप मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, सो आप लिख सकते हैं एम वी आर, साइन थीटा भी लिख सकते हैं एम वी आर साइन थीटा, ऐसे डायरेक्शन ऐसे बना सकते हैं। क्लास क्लास फॉर वन डी मोशन के लिए आप पढ़े हुए थे कि या तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाए, या आपको आर मिल जाए, आर के साथ साथ थीटा मिल जाए, साइन थीटा। सो ये था आपका एंगुलर मोमेंटम, और ये कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये आप पढ़ चुके थे, लास्ट क्लास आप कंप्लीट कर लिए थे, चाहे ऐसे मोशन हो चाहे आपका इस तरह से भी मोशन रहे। तो मैं एक छोटा सा रिवीजन आपके लिए कर रहा हूं यहां पे, कि मान लीजिए ऐसा मोशन हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये ओरिजिन हो, और पार्टिकल आपका ऐसे चल रहा है, कोई पार्टिकल अलोंग द, ये आईटी एडवांस का भी क्वेश्चन था बट वो थ्योरी है, रिजल्ट ऐसे चल रहा है, और यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो डी है। सो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ वो हो जाएगा एम वी डी इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, और ये कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट सब लोग पढ़ चुके थे ये एम वी डी। सो एम और वी हुआ, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है, जैसे ओ के अबाउट निकालना है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बना लीजिए। ये आप पढ़ लिए थे, ये फिर आई टी क्वेश्चन है कि कॉन्स्टेंट रहेगा, बहुत सारे मेडिकल क्वेश्चन आपने कर लिया था। सो 6 पॉइंट हो गया, नेक्स्ट करिए 7 पॉइंट, इसी को कंटिन्यू करते हैं, एकदम आसान आसान, बहुत ईजी चीज। बहुत ज़्यादा आसान साइंस पढ़ना है, खूब ड्राइंग, खूब ड्राइंग, खूब प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस। सो 7, चलिए बताइए, एक पार्टिकल चल रहा है, ऐसे चल रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस है, वो यहाँ से अलोंग द एक्स एक्सिस ऐसे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और विथ स्पीड वी, और यहाँ से इस पॉइंट ओ से, ओ पॉइंट से इसका पोजीशन जो है यहाँ से, और यहाँ से 45 डिग्री, जल्दी से वन लाइन क्वेश्चन, वन लाइन क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, तो हमें चाहिए एम वी डी, हम डी खोजने की कोशिश करिए, डी 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 का मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, डी का मतलब ये लाइन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर, ये डी खोजने की कोशिश करिए, ऐसे डी एम वी डी, वन लाइन तो है। ये है आर है, 45 डिग्री है, ये लेते इस साइड का कंपोनेंट लेते आप, तो आर कॉस 45 डिग्री, और ये लीजिएगा तो आर साइन 45 डिग्री। सो यहाँ पे साइन लगा दीजिए ना, 45 डिग्री है तो छोटा सा ज्योमेट्री है, तो 9th-10th क्लास का ज्योमेट्री है आपका, अगर यहाँ आप साइन 45 डिग्री लगाएंगे तो डी इज इक्वल टू आर साइन 45 डिग्री। सो पुट कर लीजिए यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, सो एम वी आर 45 डिग्री, 45 डिग्री वन बाई रूट टू, डायरेक्शन चाहिए आर, आर क्रॉस एम बी, आर क्रॉस एम बी, आर हुआ क्रॉस एम बी, ऐसे ऐसे कर लीजिए डायरेक्शन क्लॉक वाइज, या आप वैक्टर फॉर्म में डायरेक्शन लिखना हो तो डायरेक्शन आपको वैक्टर के नहीं, के नहीं, के नहीं, इनवर्ट 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 होगा माइनस के, माइनस के हो गया।
एल ओ, एल ओ जो पढ़ रहे हैं आप, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट। बहुत आसान, लास्ट क्लास जो पढ़ रहे थे वही चीजें हैं, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को। बोलते जाइए नेक्स्ट। अगर मैं इसमें एक कोई डाटा आपको दे दूं, मान लीजिए आपको कोई डाटा दे दे रहा हूं, यहाँ पे है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, अब पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ पे लिख लीजिए, एक पार्टिकल है जिस पार्टिकल का मास है वन किलोग्राम, वो मूव कर रहा है विथ स्पीड, ठीक है, स्पीड जो हुआ, सो स्पीड हुआ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहां से इसका डिस्टेंस, ये इसका डिस्टेंस लिखा हुआ आर, लिखा हुआ 3 मीटर, एंगल है 45 डिग्री, एंगल 45 डिग्री ऐसा, ठीक है, ये मूव कर रहा है। हमें चाहिए एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, डायरेक्ट करिए आंसर, डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट करिए। सो एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओ लिखिए, सो एंगुलर मोमेंटम, उससे पहले बनाइए, आप अपना कंप्लीट करिए, जैसे क्लास में मैं बताता हूं कि जैसे आप बनाते हैं, मैं लिखा फट आप बना देते हैं, सेम पेन कॉपी लेके बैठिए, साथ साथ चलते रहिए, एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम हमें चाहिए, एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन चाहिए। आप देख रहे हैं यहां पे एम और वी आर और साइन एम भी डी, डी का मतलब हुआ रूट टू भी कर सकते हैं या साइन 45 डिग्री कर लीजिए। सो ये है डी, आपको डी निकालना होगा, तो डी आप जानते हैं कि यहां से डी निकालिएगा तो डी इक्वल टू जो होगा आर साइन 45 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके पुट करिए यहां पे। सो ये हुआ 1, 2, 3 बाय रूट 2, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, सो 3 रूट 2, 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 2, सारे यूनिट ऐसा यूनिट है, सो आपको यूज करना है किलोग्राम मीटर, सो यहां पे हो गया एम वी आर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो ये हुआ यूनिट ऐसा यूनिट के साथ। सो डायरेक्शन चाहिए तो आप क्लॉकवाइज कर लीजिएगा या इसका डायरेक्शन माइनस के, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे अंदर चला गया बोर्ड के अंदर, माइनस के बाहर रहता, जेड एक्सिस होता, एक्स है वाई है तो बाहर जेड होगा, सो वो हो जाता के। मेडिकल का 2 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ, तो मैं क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं या ड्राइंग करता हूं, आपको अब नहीं उसको। सो पीएमटी क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन बैंक है और आपके पास भी बुक है, वही क्लास में जो बुक यूज करते हैं वही बुक आपके पास सबके पास है। सो लिखा हुआ पार्टिकल ऑफ मास एम, पीएमटी क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका, ऐसे फिर से रिपीट किया हुआ क्वेश्चन। सो लिखा हुआ पार्टिकल ऑफ मास एम मास लिखा हुआ 5 यूनिट, सो ऐसा यूनिट ही होगा, 5 यूनिट ही ऐसा यूनिट ही है आपका, मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड 3 रूट 2 मीटर पर सेकेंड इन एक्स वाई प्लेन। सो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है, मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं स्टेटमेंट को, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं। सो अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन ये इंपॉर्टेंट है, अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 4, ये बढ़िया सा क्वेश्चन हुआ आपका। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, सो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, सो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन।
पार्टिकल अबाउट ओरिजिन. सो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन सॉल्व करिए. मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑप्शन ए बी सी डी. सो जीरो यहां पे है, जीरो 60 यूनिट, 7.5, 40 रूट टू. ये एक बार और आ चुका है. तो पीएमटी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन बट अच्छा क्वेश्चन. देखिए आप इजी सा क्वेश्चन, थोड़ा सा हल्का सा मैथ है, बहुत हल्का सा मैथ जो मैं क्लास में फिजिक्स में केमिस्ट्री में कई बार पढ़ाते रहता हूँ. इतना छोटा सा मैथ है जो कई बार हम लोग डिस्कस करते रहते हैं. सो पार्टिकल है, मास है, स्पीड लिखा हुआ, एक्स वाई प्लेन अलोंग द लाइन, स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. कई बार क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मैं ग्राफ आपको समझा चुका हूँ. मेडिकल के स्टूडेंट के लिए है, एक मिनट टाइम रहता है, आप पहले समझिए. यहाँ पे गिवन जो लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है, कौन सा लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4. इस लाइन को समझिए जरा, लाइन को समझिए. आप जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, कई बार ग्राफ आप बनाते हैं, आप बोलते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ऐसे. वेर अगर आप कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू 1 आ गया. m का मतलब साइंस में स्लोप होता है, स्लोप इज इक्वल टू 1. स्लोप का मीनिंग होता है टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू 1. इसका थीटा मीनिंग हो गया 45 डिग्री. सी का मीनिंग है 4. ये इंटरसेप्ट हो, सीधा इंटरसेप्ट. अब मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए. द एक्स वाई प्लेन बहुत ज़्यादा इजी है, बस वो थोड़ा सा मैथ, बहुत छोटा सा ये है. वो लाइन देखिए, स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट लिखा हुआ 4. मीनिंग ये होता है, ये है 4 इंटरसेप्ट है, ये सी हुआ आपका, और ये है स्ट्रेट लाइन. हुआ जिसका स्लोप, यहाँ पे आप लीजिएगा तो यही एंगल जो होता है वो 45 डिग्री है. तो इतना छोटा सा मैथमेटिक्स है जो ग्राफ आप क्लास में कई बार, एक बार नहीं 50 टाइम, कम से कम 50 बार केमिस्ट्री फिजिक्स में ऐसे ग्राफ आप स्टडी करते हैं. वाई जी वर्ल्ड एम एक्स प्लस सी. सो आप मेडिकल स्टूडेंट भी हैं, फिर भी आपको प्रैक्टिस करना है, बेसिक रिजल्ट तो जानना है ना. अब आप बताइए, ये हुआ आपका, और इस लाइन पे, इसी लाइन पे एक पार्टिकल है, जिसका मास m है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि इस ऐसे स्पीड से घूम रहा है. ठीक है, हमें एंगुलर मोमेंटम अबाउट वो चाहिए. सो देखिए अब क्या करना है आपको, क्या तरीका क्या है. आप क्वेश्चन को ऐसे हटा लीजिए, ऐसे कर लीजिए, बोले कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और अगर मैं इसको 4 कर लूँ, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अगर मैं इस पार्टिकल को ऐसे कर लूँ, अगर मैं इधर की तरफ मोशन कर लूँ, सो ये पार्टिकल का मास रहने दीजिए m, और ये कंपोनेंट, अगर मैं इस कंपोनेंट के बारे में बात करूँ, सो इस कंपोनेंट का स्पीड जो होगा, एंगल साइड कॉस, ये v का कंपोनेंट ले लीजिए, v का ये कंपोनेंट ले लीजिएगा, तो ये स्पीड हो गया, इसका नाम हो गया v cos 45 डिग्री. ये कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट अलोंग ऐसे ले लीजिए, अलोंग द x एक्सिस ऐसे ले लीजिए, तो v cos 45 डिग्री. अब तो हो गया, अब आपके पास मास भी हो गया, स्पीड भी हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हो गया, हो गया एंगुलर मोमेंटम. तुम आसान सर, सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ. सो m हुआ v cos 45 डिग्री इंटू डी. डी क्या है, ये वाला डी हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, सॉल्व कर लीजिए. तो सारा काम एक मिनट का, एक मिनट में आपको कंप्लीट करना है. सॉल्व करिए जल्दी से. मास 5 यूनिट, स्पीड 3 रूट टू, कॉस 45 डिग्री रूट टू मल्टीप्लाई बाय 4, कोई ऐसा देखिए 60, ऐसा यूनिट 60, यूनिट 60, ऐसा चेक करिए 60, यस 60 डी. तो 1 मिनट में ये
बहुत ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ रहे हैं अभी स्ट्रेट लाइन के लिए, वन डी मोशन के लिए, और इस वन डी मोशन में 10 क्वेश्चन आया होगा, आईडी एडवांस का, मेन का, पीएमटी का, अगेन मेडिकल क्वेश्चन, बट अब फास्ट करिएगा, अब बस एक मिनट के अंदर आपको करना है नेक्स्ट क्वेश्चन 10 10 10 एक क्वेश्चन और मैं मेडिकल का देखता हूँ, मेरे पास है सामने क्वेश्चन बैंक है और बस डाटा ही तो चेंज है, मुझे क्वेश्चन तो वही दिख रहा है। सो पार्टिकल मास लिखा हुआ 1, यहाँ ऐसा यूनिट लिखा हुआ 1 किलोग्राम, ठीक। सो स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, एक्स प्लस 2 लिखा हुआ, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन, जल्दी से मैं आंसर लिख रहा हूँ, तब तक आप कर दीजिएगा। सो यूनिट है ऐसा यूनिट में 4 और 2 root 2, ये हो गया और 4 root 2 हो गया और यहाँ हुआ 2 हो गया, सारा यूनिट ऐसा ही है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, हो गया, सॉल्व कर दीजिए जल्दी से, एक मिनट ही बस टाइम है, जल्दी एकदम, बस आपके सामने दिखा क्वेश्चन, एग्जाम में बैठे हैं, जस्ट 1 मिनट, बस हाथ कहीं रुकना नहीं चाहिए। एम एक्स यहाँ पे है 2, एम एक्स प्लस सी सॉल्व करते जाइए, इंटरसेप्ट का वैल्यू हो गया 2, इंटरसेप्ट का ये वैल्यू हो गया 2, बाकी सब कुछ सेम है, ये वैल्यू हो गया 2, वी कॉस 45 डिग्री, सब कुछ सेम है, एंड देन यहाँ पे डाटा रखिएगा 1, स्पीड का वैल्यू हो गया 2, यहाँ पे हो गया 1/√2 इंटू 2, सो 2√2 हो गया। सो दो बार पूछा हुआ मेडिकल क्वेश्चन, सो आपको इतना स्पीड रखना है कि क्वेश्चन देखना है, देखते समझना है कि स्लोप है क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, लाइन कैसे होगा, कैसे मूव कर रहा है, और हमें एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ निकालना है। सो फाइनली एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ 2√2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, नोट करिए आप इसको, जल्दी से नोट करिए, और मैं क्वेश्चन लाऊंगा, आप और क्वेश्चन देता हूं, और अच्छे अच्छे और दो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सो प्लीज नोट करते रहिए साथ साथ। सो नेक्स्ट पॉइंट छोटा सा, 10 हुआ 11, छोटा सा प्लानिंग करिए, तो जैसे मान लीजिए कि ऐसा है कि मेरा x एक्सिस है, y एक्सिस है, और एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, सोचिए कि ऐसा एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, m है, और यहाँ स्पीड और यह वेलोसिटी v है और o है, और इसका डिस्टेंस यहाँ से d है, ठीक, सिंपल। सो हमें चाहिए एंगुलर मोमेंटम अबाउट o, सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ ये हो गया एम वी डी, डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन ऐसे, डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा आपको बोला जाता है कि ये ऐसे समझा कीजिए कि ये आर, ये है वेक्टर आर, ये वेक्टर आर है, मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ, ये वेक्टर वी है और डायरेक्शन जो होता है वो है वेक्टर आर, वेक्टर आर क्रॉस एम वेक्टर वी, आर क्रॉस एम वेक्टर वी, तो आर राइट हैंड फोर फिंगर अलोंग वेक्टर आर, देन फोल्ड करिए टुवर्ड वी, आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी, थंब इनसेट, जो अंदर जो वेक्टर गया उसका नाम होता है, जस्ट वेक्टर को बोलते हैं माइनस के, माइनस जेड एक्सिस ना, सो ये हो गया, ये आप जानते हैं, ये कई बार आप लिख चुके हैं, सो एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि मेरा जो पार्टिकल है, मेरा पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये है पार्टिकल m और उसका वेलोसिटी है v, ऐसे मेरा पार्टिकल चल रहा है, ये पॉइंट o है, ऐसे पूछूं आपसे, और मैं पूछूं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल m विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, सो एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, सो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, सो
ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप अगर देखेंगे ये वेक्टर आर, अगर आप वेक्टर आर को देखेंगे तो ये वेक्टर को अगर आप बढ़ा के देखिए ऐसे, सो आप क्या आप फॉलो करिएगा, देखिए आर क्रॉस एम वी, अगर आप जानते हैं आर क्रॉस एम वी, आर क्रॉस एम वी और उसका मीनिंग भी जानते हैं कि इसका मतलब होता है आर और एम वी और साइन थीटा होता है, बट यहां तो थीटा जीरो हो गया, यहां तो आर, ये वेक्टर आर है, वेक्टर आर और वेक्टर वी, वेक्टर आर वेक्टर वी में एंगल तो जीरो है, पैरेलल आ गया, तो आप जानते हैं यहां एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा, यहां पे आर करिएगा, एम वी करिएगा और साइन जीरो डिग्री, साइन जीरो डिग्री इज फाइनली जीरो, सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, इस सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन जीरो है, वो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, यह है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक। मान लीजिए आपका पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, आपका पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये पार्टिकल है एम है और इसका वेलोसिटी है अलोंग द वाई एक्सिस, वो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इस जगह से आप लीजिए वो डी है, हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब मुझे चाहिए एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये तो सही है कि आप बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी डी, एम वी डी ये है एम वी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन द लाइन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, ये तो ठीक है, और डायरेक्शन, डायरेक्शन क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक वाइज। देखिए आप अगर यहां से आर निकालेंगे तो आर निकालने के लिए आप इस वेक्टर को ऐसे बढ़ा दीजिए, ये है आर, मैग्नीट्यूड ये हो गया, वेक्टर ये हो गया और ये आर क्रॉस एम भी, आर मैंने बोला राइट हैंड के फोर फिंगर, फोर फिंगर ये अलोंग वेक्टर आर, अलोंग वेक्टर आर, देन ऐसे मोड़िए आर, ऐसे मोड़ना आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी, ये देखिए बाहर आ गया, थंब बाहर आ गया, तो ये अगर आप डायरेक्शन लिखेंगे तो ऐसे और जो थंब ऐसे आर, आर क्रॉस एम भी, थंब बाहर, आपको जानना है ये चीजें, जानिएगा कि ये है एक्स एक्सिस तो ये वाई एक्सिस, श्योर ये जेड एक्सिस होता है, और जब अगर अंदर जाएंगे यहां पे, यहां जाएंगे अंदर इनवर्ड तो उसको बोलते हैं माइनस जेड एक्सिस, अंदर का एक्सिस होगा, तो आपका ये जो आर क्रॉस एम भी, आर क्रॉस एम भी, थंब बाहर, थंब बाहर को बोलते हैं जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का वैक्टर होता है वैक्टर के। सो मुझे डायरेक्शन सिखाना था, मुझे आपको डायरेक्शन सिखाना था कि कभी कभी एंगुलर मोमेंटम जीरो भी होगा, वो पूछा भी गया है लास्ट क्लास, मैंने डिस्कस किया था, कभी कभी माइनस के रहेगा, कभी कभी प्लस के होता है, तो ये हो गया आपका 11 पॉइंट, तीन पॉइंट और है और डिस्कस करते हैं, तीन क्वेश्चन ही है आपका 11 12 मान लीजिए मेरा पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ओरिजिन है, मान लीजिए कि ये मेरा पार्टिकल है और वो ऐसे मूव कर रहा है, सो ऐसे मूव कर रहा है पार्टिकल मेरा, सो वन डी मोशन, वन डी मोशन, आप मुझे बोलते जी, ठीक है, यहां से मैंने डिस्टेंस ले लिया d और यहां से डिस्टेंस ले लिया d, सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन ये श्योर एम वी डी, आप 10 बार लिख चुके हैं, आप यहां से लीजिएगा r क्रॉस एम भी, r क्रॉस एम भी को लिखना है तो ऐसे लिखिएगा, और जो थंब इनवर्ड गया तो इसके जगह आप लिख सकते हैं माइनस वेक्टर के, ठीक है, फिर से बताएंगे, फिर से बताएंगे, ये इस पॉइंट को बोल दे ए पॉइंट, ये पॉइंट है ए पॉइंट, ए पॉइंट, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए, जीरो, जीरो, पॉइंट ए, पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में इसका जो वेक्टर है आर, पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में वेक्टर आर,
और पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो गए। आर वेक्टर वी पैरेलल है, थीटा जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो हो जाता है। और मैं आपसे पूछूंगी नहीं, मुझे इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट बी है, बी का हाइट यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच है, और मुझे पढ़ना है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट बी, तो ये बोलिएगा कि ये एम होगा, वी होगा, एच होगा। एम वी एच ये है मास और स्पीड, और एच ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। और डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं पता है, कोई बात नहीं है। चलिए, यहाँ बी पॉइंट से यहाँ आप आर बनाएंगे, ये है मैग्नीट्यूड आर, बट वेक्टर बनाएंगे तो वेक्टर आर ऐसे, ये वेक्टर आर, ये वेक्टर आर, और आर क्रॉस एम बी ऐसे, आर आर क्रॉस एम बी, आर क्रॉस एम बी, राइट हैंड थम रूल, आर क्रॉस एम बी, थम बाहर। आपने पेन कॉपी लीजिए, कॉपी पे बनाइए, ड्राइंग करके आप देखिए, आर क्रॉस एम बी, आर क्रॉस एम बी, आउटसाइड 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 को वेक्टर बोलते हैं। कि सो ये था आपका स्ट्रेट लाइन के लिए। दो क्वेश्चन और कर लीजिए, आईटी मेन का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन देखिए। तो खूब अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। एक पार्टिकल है, पार्टिकल का मास m है, और पार्टिकल मास m है और मूव कर रहा है विद स्पीड, और ऐसे फॉलो करते हुए, ऐसे ऐसे होते हुए इधर से जा रहा है, स्क्वायर में ही जा रहा है, स्क्वायर के अंदर ही, स्क्वायर के अंदर, इधर नहीं जाएगा पार्टिकल, इधर नहीं है, वो स्क्वायर में ही मूव कर रहा है। मूव कर रहा है कैसे? सो ए से गया बी, बी से गया सी, सी से गया डी, ठीक, ए से गया बी, बी से गया सी, सी से गया डी, डी से गया ए, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, और हमें चाहिए एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अबाउट ओरिजिन, व्हेन पार्टिकल इन ए बी, बी टू सी में रहेगा, सी टू डी में रहेगा, और डी टू ए में रहेगा। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन जब पार्टिकल ए टू बी में रहेगा, तब ए से बी ऐसे जाएगा। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन जब पार्टिकल बी टू सी रहेगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन जब सी टू डी में रहेगा, और एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन जब डी टू ए वापस आएगा, तो और वो भी वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में चाहिए। सो आईटी मेन का क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन दिया हुआ था कि कौन सा करेक्ट होगा, एकदम इजी है, आप तो 10 पढ़ चुके हैं क्वेश्चन विद अ वेक्टर फॉर्म, वेक्टर में, ये जरूर ध्यान रखिएगा। मैंने आपको समझाया कि ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो ये है आउटसाइड रहेगा, और z एक्सिस होता है जो मैथ या ज्योमेट्री जानते हैं, और जो अंदर जाइएगा तो वो माइनस z एक्सिस, अंदर z एक्सिस को वेक्टर k बोलते हैं हम लोग, आई जे के, k कैप, और इसको बोलते हैं माइनस k कैप। अब स्टार्ट करिए, फोर क्वेश्चन है, फोर क्वेश्चन हो गए, फोर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। ए बी, ए बी, ए बी स्ट्रक्चर। तो मैंने इतनी बार आपको पढ़ाया क्वेश्चन, सो ये है एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, और सिर्फ ऐसे छोटा सा जल्दी में करना है भाई आपको, ए बी ए बी ऐसे करिए, और इस लाइन पे पार्टिकल चल रहा है, मास है, स्पीड v है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस लिखा हुआ r, और ये है 45 डिग्री, तो श्योर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एकदम वन लाइन जल्दी से r
बाय रूट टू आर साइन 45 डिग्री आर बाय रूट टू. सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इन द लाइन ए बी वो हो गया एम वी आर बाय रूट टू. हो गया एम वी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर बाय रूट टू. डायरेक्शन डायरेक्शन भी चाहिए ऐसे, इसको बढ़ा लीजिए, इसको जल्दी से ऐसे मन में ऐसे बढ़ाइए, मन में ऐसे बढ़ाइए. आर क्रॉस एम बी इनवर्ड 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 इज कॉल्ड द माइनस वेक्टर के. हो गया एक तो हुआ, ऑप्शन में मैच करना था कि सही है कि नहीं, ऑप्शन में मैच करना था. हो गया आपका, आगे बढ़े. चलिए दूसरा ये बी टू सी ध्यान रखिए, बी टू सी ध्यान से रखिए ऐसे बी टू सी. यहां पे एक पार्टिकल बना लिए, वो चल रहा है ऐसे विथ स्पीड v. रुक जाइए ऐसे मुझे बता दीजिए. अच्छा आप मुझे ये बता सकते हैं यहां से यहां भी वर्क कर लीजिए ना, यहां भी वर्क कर लीजिए. बोलिए ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस, ये भी तो आर बाय रूट टू होगा, होगा cos 45 डिग्री r cos 45 डिग्री हुआ r by root 2. सो ये डिस्टेंस आप जानते हैं कि यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस जानते हैं कि r by root 2 है r by 2, और यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस a स्क्वायर है. तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस ये हुआ a, ये a हुआ. अब हमारा यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल चुका है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. आपको डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन के लिए आप मुझे बता दीजिए. डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए ये आर क्रॉस आर, ये है वेक्टर आर, ये वेक्टर आर इमेजिन करना है. आर क्रॉस एम बी, आर क्रॉस एम बी आउटवर्ड आउटवर्ड. लिख लीजिए आंसर. एंगुलर मोमेंटम, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ. बढ़िया सा क्वेश्चन, खूब बढ़िया क्वेश्चन, बट एक्सपर्ट लोग जो लोग हैं वो कुछ एक मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं, चारों ऑप्शन एक मिनट में कर लेंगे. सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अबाउट ओ फॉर द लाइन बी टू सी इज इक्वल टू हो गया एम वी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो ए प्लस आर बाय रूट टू. डायरेक्शन डायरेक्शन के 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 वेक्टर के. सो ये ऑप्शन में रहेगा, मैच करना होगा आपको. ओके थर्ड में थर्ड बनाते सी का डाउन, इधर मैं मिटाता हूं आपको. एक ही क्वेश्चन में सारा प्रैक्टिस हो गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया. चलिए नेक्स्ट एक्स एक्सेस वाई एक्सेस. अब यहां से आइए, ए टू बी गए, बी टू सी गए, सी टू डी आ जाइए. आई सी टू डी, एम स्पीड है वी, ऐसा आ रहा है एम स्पीड वी. और हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सोचिए, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. बोली अगर मुझे ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बनाना हो, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जल्दी से बोलिए, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यहां से यहां लेते, यहां से यहां लेते तो आर बाय रूट टू, आर बाय रूट टू ये वाला होता लेंथ, ये वाला लेंथ होता, ये आर बाय रूट टू. और इसके ऊपर ए भी है, आप फिगर देख लीजिए, अपना फिगर देखिए, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हुआ तो ए हुआ, ये है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. सो एंगुलर मोमेंटम तो हो गया एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ. सो लाइन ए बी बी सी सी डी, आंसर तो मिल गया, आंसर तो मिल गया कि एम है वी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए प्लस आर बाय रूट टू. आंसर तो आपको मिल गया. डायरेक्शन डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए. डायरेक्शन के लिए ऐसे ऐसे अपने मन से इमेजिन करिए, इमेजिन करिए कि ये वेक्टर आर है, आर क्रॉस एम भी, आर क्रॉस एम भी राइट हैंड, राइट हैंड फोर फिंगर अलोंग वेक्टर आर, फोर फिंगर अलोंग वेक्टर आर, आर क्रॉस एम भी, आर क्रॉस एम भी. बोलिए आर क्रॉस एम भी किधर, आउटवर्ड
आउटवर्ड वेक्टर, वेक्टर के, वेक्टर के हो गया। ओके नेक्स्ट, लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। सो एक क्वेश्चन में सारा आपको मिल गया, खूब अच्छा क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का। सो अब हम लोग ला रहे हैं पार्टिकल को यहां पे, ये है पार्टिकल m, स्पीड है इसका v, ऐसे आ जाइए, ये है ओरिजिन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर करिएगा r बाय रूट टू, सो r बाय रूट टू हो गया। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट o फॉर डी टू ए, डी टू ए हो गया, सो ये हुआ m v r बाय रूट टू। ठीक, डायरेक्शन, डायरेक्शन जरूरी है, डायरेक्शन के लिए यहां से क्योंकि ओरिजिन के अबाउट निकालना है, तो ऐसे ऐसे इमेजिन करिए वेक्टर r, कर लिए इमेजिन, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, वेक्टर r, फोर फिंगर्स अलोंग वेक्टर r, वेक्टर r क्रॉस mv, क्रॉस mv, थंब गया इनसाइड, इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब माइनस वेक्टर की। थ्री थर्ड मेन का क्वेश्चन जिसमें एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग स्क्वायर और विथ डायरेक्शन के साथ, आप डायरेक्शन, डायरेक्शन में सब जगह आप वेक्टर लगा दीजिएगा ऐसे, क्योंकि डायरेक्शन आपने लगाया है तो वेक्टर लगाइए, सब में वेक्टर से कर दीजिएगा, ऐसे वेक्टर कर दीजिए, यहां भी आप वेक्टर कर देंगे, यहां भी आप वेक्टर कर देंगे, हो गया। कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करिए एंड देन उसके बाद 2D की तरफ हम लोग जाएंगे। एक क्वेश्चन और, छोटा क्वेश्चन है, सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंगुलर मोमेंटम पूरे इंपॉर्टेंट है और एकदम इजी है, बहुत इजी है। अभी मैं स्ट्रेट लाइन 1D पढ़ा रहा हूं, 2D है, सर्कुलर है, रोटेशन है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, बट बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन इतने सारे आपको मिलेंगे ना। एक करी देन फाइनल हम लोग इसको करके फिर चेंज करेंगे हम लोग। सो एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ आईटी मेन में आया हुआ है क्वेश्चन, सो मैं सर्च करने दीजिए मुझे, हाँ ये मेरे सामने है क्वेश्चन। सो लिखा हुआ टाइम डिपेंडेंस पोजीशन ऑफ पार्टिकल, सो एक पार्टिकल लिखा हुआ, मास लिखा हुआ 2 किलोग्राम, सो पोजीशन, वेक्टर i, थ्री टी स्क्वायर वेक्टर j, एट टाइम सो l, एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मनी छोटा क्वेश्चन है, काफी आसान है, जस्ट जो फास्ट स्टूडेंट है नॉन स्टॉप है, डायरेक्टर से देखेंगे ऐसे बनाएंगे आपका, आप स्टार्ट करिए, कोई सोचना नहीं है क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि कुछ सोचना है आपको, आप लोग जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेगा आपको। सो मैं ऐसे दे रहा हूं 36 वैक्टर के माइनस 34 वैक्टर के माइनस वैक्टर आई माइनस 48 वैक्टर के 48 i plus j। सो कुछ सोचने वाला क्वेश्चन है नहीं, ये नहीं कि क्या सोचना है, क्वेश्चन देख रहा है क्या करना है आपको। सो कंप्लीट करिए, हम लोग यहां पे फाइनल करते हैं 1D मोशन के लिए।
देखिए, आप खुद सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस एम बी। आप ऐसे सोच रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम तो आर क्रॉस एम बी होता है। आपके मन में ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कि वेक्टर आर क्रॉस एम बी होता है, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। मास तो दिया है, आर भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, स्पीड कहाँ गया? स्पीड नहीं दिया हुआ है, तो इस पर क्या सोचना है? आप स्पीड में 100 को 100 बार पढ़े हुए हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, तो पीएमटी में आता है। इतना छोटा मैथमेटिक्स तो पीएमटी में क्वेश्चन में आता है, ये क्या आपको बताना पड़ेगा, मुझे समझाना पड़ेगा कि आप स्पीड निकालेंगे? तो मैं बोला कि इसमें समझने वाला क्या चीज़ है, इसमें तो किसी स्टूडेंट को, क्लास में कोई भी स्टूडेंट बैठा रहता, सबको पता है कि अगर वेक्टर आर लिखा हुआ 2TI, मैं थोड़ा नहीं इसमें इतना छोटा चीज़ें एक्सप्लेन किया था, ऐसे जे हुआ, ठीक है। स्पीड वेलोसिटी क्या होता है आपका, वेलोसिटी वेक्टर dr बाई डी टी, और डिफ्रेंशिएट करेंगे। मेडिकल में ऐसे 500 क्वेश्चन पूछा हुआ, सो पीएमटी स्टूडेंट के लिए भी है ये, ऐसा नहीं कि आईटी मेन में आया तो बहुत टफ हो गया। तो ये तो कहीं सोचने वाला ही क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ये 2i हो गया, यहाँ पे डिफरेंशिएट करिएगा, डिफरेंशिएट करने पे माइनस, ये टी स्क्वायर 2t हो गया, 6t6 हो गया। अब आपके पास टाइम है, जब टाइम लिखा हुआ है 2 सेकेंड है, टाइम आपके पास 2 सेकेंड है, तो टाइम 2 सेकेंड पे अगर आप पुट कर रहे हैं, सो वैक्टर आर, जैसे 2 सेकेंड पुट करिएगा तो 4i माइनस 4 12 12 j, ऐसा हो गया। इसको सॉल्व करिएगा, सो वेक्टर v इज इक्वल टू टाइम 2 सेकेंड पे 2i माइनस 12 j, मास मिल गया, मास है कितना 2 किलोग्राम। सॉल्व कर लीजिए, ये क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट 1 मिनट क्वेश्चन है, इतना कुछ सोचने वाला कुछ नहीं है, बस आप सॉल्व करिए जल्दी से और फाइनल करिए, 1D मोशन मेरा कंप्लीट करिए। चलिए देखिए, सो एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस एम बी जो कॉमन डाटा है उसको बाहर निकाल दीजिए, जो कॉमन डाटा है वो आप देख लीजिए, एंगुलर मोमेंटम कॉमन डाटा, मास हो गया 2 यूनिट, आर में से निकालिए, यहां से 4 बाहर निकाल दीजिए, यहां से 1 2 बाहर निकालिए, बचा क्या क्या, 4 निकालिएगा, आई माइनस 3 j, ठीक है, क्रॉस 2 बाहर निकाल दिया आपने, आई माइनस 6 j, छोटा है, डिटरमाइंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं, छोटा सा तो है डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, बड़ा रहता आई जे के का रहता तो मैं डिटरमिनेंट लिखता, वो तो छोटा सा है, मैथ में है या वेक्टर में फिजिक्स में पढ़ाता हूँ आपको। सो 8 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ आपका 16। चलिए स्टार्ट करिए, आई क्रॉस आई, इसको इसके साथ करिए, माइनस 6 आई क्रॉस जे, नाउ इसको इसके साथ करिए, माइनस 3 जे क्रॉस आई, इसको इसके साथ करिए, 18 जे क्रॉस जे, हो गया। सॉल्व करते रहिए, एंगुलर मोमेंटम 16 आई क्रॉस आई हो गया 0, आई क्रॉस जे के हो गया वेक्टर के, सो यह वेक्टर के, जे क्रॉस आई माइनस के प्लस लास्ट में 0। अब यहां पे करिएगा तो प्लस 3 के, सो फाइनल एंगुलर मोमेंटम यहां 16 कर लीजिएगा, यहां माइनस 6 के वेक्टर के प्लस 3 वेक्टर के, 16 माइनस 3 वेक्टर के, कोई देखिए माइनस 48 वेक्टर के है, कोई आंसर? यस, सी
सी। सो ये काम आपका 1 मिनट का है, 1 मिनट में करना है आपको, 1 मिनट में लोग कर लेते हैं भाई, इतना उसमें ये सब लिखने को जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखता है लोग डायरेक्ट यहाँ पे आंसर कर देता है। ये तो क्लास है, मुझे समझाना है इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। बाकी जो फास्ट स्टूडेंट है वन लाइन में ये उसको देखे यहाँ बनाए जस्ट आंसर पे। सो ये हो गया हम लोग का एंगुलर मोमेंटम फॉर 1D मोशन। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको 2D मोशन प्रोजेक्टाइल में एंगुलर मोमेंटम, वो IT में आया हुआ है, मेडिकल का है क्वेश्चन, मेन में भी पूछा हुआ क्वेश्चन। सो 2D मोशन प्रोजेक्टाइल डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन रोटेटिंग में, उसमें भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ आपका। सो नेक्स्ट प्लान आप नोट करते रहना, आपको एक एक लाइन लिखना है। मैं 2D मोशन डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में। सो नेक्स्ट पॉइंट एंगुलर मोमेंटम फॉर 2D मोशन। 1D मोशन कंप्लीट, वहाँ 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया, 10 आए हुआ क्वेश्चन, पॉइंट तो मैंने 14 किया था बट 10 क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ, ID एडवांस का, मेडिकल का, मेन का क्वेश्चन, ठीक है 10 क्वेश्चन मैंने किया। नाउ यहाँ पे 5 क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको, 4 या 5 मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये मेडिकल क्वेश्चन है। अब मैं बात कर रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम फॉर 2D मोशन। 2D मोशन में प्रोजेक्टाइल के लिए एंगुलर मोमेंटम हमें डिस्कस करना है। सो ये स्टेटमेंट था, मैं ड्राइंग कर लिया, स्टेटमेंट है, मेडिकल क्वेश्चन है, PMD क्वेश्चन है। बॉल मास m, स्पीड v, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री, पाथ लिखा हुआ है, हाइट मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है लिखा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ व्हेन पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट मैक्सिमम हाइट। आसान सही, तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन ही 3 बार पूछा हुआ, यही क्वेश्चन आपको बट अलग अलग सब में आंसर अलग अलग लिखा हुआ। सो आप चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं नंबर 1। ये तो सबसे आसान है, सबसे ईजी है, प्रोजेक्टाइल 2D मोशन, खूब पढ़ा हुआ प्रोजेक्टाइल, एक्सिस सिचुएशन, कॉपी में आपको एक्सेस सिचुएशन में प्रोजेक्टाइल पढ़ाया हुआ, मतलब इतने सारे केस डिफरेंट इतने केस मैंने आपको प्रोजेक्टाइल कॉपी में डिस्कस किए। ये तो बहुत छोटा है, तो ये तो फर्स्ट रिजल्ट, डे वन का रिजल्ट हम लोग पढ़े हुए थे प्रोजेक्टाइल में। मेडिकल क्वेश्चन है ना, 1 मिनट क्वेश्चन, तो आपको ऐसे जस्ट इस तरह से प्लानिंग करना, अच्छा पार्टिकल अगर हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा, आप जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट का स्पीड जो होता है वो हॉरिजेंटली हो जाता है, और हॉरिजेंटल स्पीड और वी कॉस थीटा होता है, वो तो कांस्टेंट हुआ, और यहाँ का मैक्सिमम हाइट तो ये हो गया आपका h हो गया, और हमें लगाना है प्रोजेक्टाइल और एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो अब ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन तो अभी पढ़े थे, ये तो क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, अभी ऐसे लगेगा कि तो क्वेश्चन अभी डिस्कस किए थे कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, जिसका स्पीड है v cos 45 डिग्री, इसका cos 45 डिग्री है और ऐसे चल रहा है, और ऐसे सोचे कि ये लाइन ऑफ मोशन है इसका ऐसे, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस h यहाँ ले लें, चाहे आप इस डिस्टेंस को ले लें, दोनों तो एक ही चीज़ है, और आप पढ़े थे कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन वो होता है m और v cos 45 डिग्री 1/√2 और h। सो आंसर कोई देखिए, सो ये m v h बाय रूट टू आ गया, हो गया, ये हो गया सिंपल आंसर, हो गया m v h बाय रूट टू। इतना छोटा कोई भी बना लेता, कोई सबको बताएगा प्रोजेक्टाइल पे मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड हॉरिजॉन्टली रहेगा और उसका वैल्यू होता है v cos थीटा। सो v cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहता है प्रोजेक्टाइल में, तो ये सबको पता है। सेम क्वेश्चन सेकंड अगेन PMT क्वेश्चन। ठीक सेम क्वेश्चन मेडिकल का हटा देता हूं।
ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी। नोट कर लीजिए, आप ड्राइंग ही नोट कर लीजिए, ड्राइंग ही कल नोट कर लीजिए। उसी तरह सौ सेम क्वेश्चन मेडिकल का, बट डिफरेंट डिफरेंट आंसर अलग। मेरे सामने बुक है और बुक इसमें लिखा हुआ एम वी स्क्वायर बाय रूट टू जी, ऑप्शन लिखा हुआ एम वी स्क्वायर बाय रूट टू जी। सेकेंड ऑप्शन एम वी क्यूब बाय फोर रूट टू जी, एम वी क्यूब बाय फोर रूट टू जी। नेक्स्ट ऑप्शन रूट टू जी। ये मेडिकल क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सेम स्टेटमेंट, प्रोजेक्टाइल मास एम, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन वी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ व्हेन द पार्टिकल एट द हाईएस्ट पॉइंट। चलिए सेम क्वेश्चन, ऑप्शन अलग होगी, ये आई टी एडवांस में भी पूछा हुआ, ऑप्शन अलग है। चलो देखिए यहाँ पे, अब अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ प्रोजेक्टाइल का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एकदम छोटा सा रिजल्ट जैसे ही यहाँ चले गए, और ये पार्टिकल है मास एम है, स्पीड एस वी है, और हम लोग बात कर रहे हैं कि ये मैक्सिमम हाइट, हम लोग पढ़े हुए हैं ना क्लास में, तो फंडामेंटल रिजल्ट है। मैक्सिमम हाइट जो था आप पढ़े हुए थे कि वी स्क्वायर बोलिए साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय टू जी, ये पढ़े हुए, ये सब लोग कॉपी में पढ़े हुए। मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ये तो फंडामेंटल रिजल्ट है, तो फर्स्ट डे का प्रोजेक्टाइल का रिजल्ट पुट कर लेंगे आप पुट करेंगे यहाँ पे वी, वी स्क्वायर छोड़ दीजिए, साइन 45 डिग्री का स्क्वायर टू जी एच हो गया, सॉल्व करिएगा यहाँ पे 1 बाय रूट टू हो गया, नाउ 1 बाय रूट टू स्क्वायर हो गया, सो वी स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय रूट टू और टू फोर जी, सो ये हाइट मिल गया, हो गया। अब तो हो गया क्वेश्चन, अभी तो आप पढ़े थे कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, सो एंगुलर मोमेंटम ओ हो हो मिस्टेक मिस्टेक, इस पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड हुआ, स्पीड कंपोनेंट होता है वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ स्पीड है ना, यहाँ पे स्पीड वी था, यहाँ पे स्पीड वी, हाईएस्ट पॉइंट का कंपोनेंट वी कॉस थीटा। सो अभी हम लोग पढ़े थे एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, सो एम वी कॉस 45 डिग्री इंटू एच पुट कर लीजिए, एम 45 डिग्री हो गया और यहाँ पे हो गया H और यहाँ वी क्यूब, एच एच की जगह यहाँ पे रख लीजिए, H की जगह ये पुट करिएगा, तो एम वी क्यूब बाई कोई ऐसा देखिए 4 रूट टू जी, कोई चेक करें, एम वी क्यूब बाई 4 रूट टू जी ये हो गया। सो मेडिकल का क्वेश्चन ये भी था बट डाटा चेंज कर दिया यहाँ पे, वो क्वेश्चन एच के टर्म में था, यहाँ एच ने सिर्फ मास और स्पीड लिखा हुआ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था, हाईएस्ट पॉइंट पे क्वेश्चन वही था आपका, तो वो वाला इससे पहले वाला एकदम इजी था, बट अगर आपको एच ना लिखा रहेगा आप तुरंत बना लीजिए, तुरंत क्वेश्चन में कंप्लीट कर लीजिए, और ये एडवांस में भी पूछा हुआ सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सेम क्वेश्चन, एच कर लीजिएगा मैक्सिमम हाइट, ठीक, ऑप्शन ए बी सी डी, यहां मैं ऑप्शन दे रहा हूं, उसका ऑप्शन अलग है, आईटी का भी एकदम अलग ऑप्शन है, तीनों क्वेश्चन एक ही है, सबका ऑप्शन अलग अलग है, मैं ऑप्शन दूंगा आप चेक कर लीजिएगा।
ये सब ऑप्शन अलग, क्वेश्चन एक ही है, तीनों क्वेश्चन देखिए एक ही है। सो आईडी एडवांस का क्वेश्चन, मेडिकल क्वेश्चन, तीनों एक ही क्वेश्चन है, वही हाईएस्ट पॉइंट पे आपको निकालना है, मैक्सिमम हाइट जो है हाईएस्ट पॉइंट पे, और इस बार आंसर अलग है सब में। स्टार्ट करें, सब ऑनली प्रैक्टिस है, खूब प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस करते रहना, आपको क्वेश्चन बस आपको दिखाना है कि एग्जाम में कैसे कैसे वेरिएशन होता है। सो स्टार्ट करते हैं, यहाँ वी नहीं है क्वेश्चन में, वी मिसिंग है, कोई बात नहीं है, हम लोग कर लेंगे तुरंत। यहाँ पे एक्स है, वाई एक्सेस है, यहाँ पे आप हाईएस्ट पॉइंट पे आप जाइएगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपका पार्टिकल एम है, और यहाँ स्पीड हो गया वी कॉस थीटा हुआ, और ये हाइट, वो जो हाइट है वो एच है। अभी हम लोग पढ़े थे कि एच इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे टू जी होता है थीटा, आपको पता है यहाँ पे थीटा 45 डिग्री है, और आपने जब सॉल्व किया था तो अभी सॉल्व किया था आपने तो वी स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ 4g हो गया, मतलब हमें ज़रूरत पड़ेगा तो वी के जगह पुट कर लूँगा 2, ये इधर कर लीजिएगा 2 अंडर रूट जी इंटू एच, ये मैं पुट कर लूँगा जब ज़रूरत पड़ेगा, और ज़रूरत पड़ेगा ही, ओके। अब चलिए एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, एम हो गया, वी हो गया, कॉस हो गया, 45 डिग्री हो गया, और एच हो गया। आज क्वेश्चन में वी नहीं है, आज क्वेश्चन में वी मिसिंग है, बाकी सब एच है आपका। चलिए सॉल्व करते हैं, एम हुआ, एच हुआ, कॉस 45 डिग्री, रूट टू, वन बाय रूट टू, और वी, वी के जगह रखिएगा 2 अंडर रूट जी और एच, ठीक। सो एंगुलर मोमेंटम आप कर लीजिए, अब आपका आंसर आ चुका है, यहाँ पे ऊपर में रूट टू हो गया, एम हुआ, और यहाँ रूट टू हुआ, रूट टू अंदर ले लीजिएगा तो 2 और जी और एच क्यूब हो गया, ये आंसर। आंसर देखिए एम 2 जी एच क्यूब, हाँ आंसर ए है, ये आंसर ए है, आंसर ए ये हो गया। एक और लिखना हो इसमें तो ऐसा लिख लीजिएगा, यहाँ पे आईडी में मल्टीपल करके आता है क्वेश्चन, ई ई जो आंसर था इससे पहले वाले मेडिकल क्वेश्चन था, एम वी क्यूब बाई 4√2g, अभी बनाया था, अभी पीएमडी क्वेश्चन वो भी रहता है आंसर में आईडी में, तो दोनों टिक कर लीजिएगा, दोनों टिक करना आपको। तो ये सब प्रोजेक्टाइल के लिए आईडी क्वेश्चन, मेडिकल क्वेश्चन सब हाईएस्ट पॉइंट पे ही पूछता है, और अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और वो एकदम सिंपल हो जाएगा, वो जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन जैसा हो जाएगा, ये मास स्पीड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगा। और भी आईटी मेन में सबसे अच्छा तो आईटी मेन का क्वेश्चन है, इनसे भी अच्छा आपका। मैं क्वेश्चन देता हूँ प्रोजेक्टाइल के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालना, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड और आईटी मेन का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये आईटी मेन में पूछा हुआ था, ऐसे तो क्लास में हम लोग कर चुके हैं सारे क्वेश्चन, ये सब सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, बट साइंस हम लोग रिपीट करते रहते हैं, जब भी आएगा हम लोग रिपीट करते रहेंगे। तो ये कॉपी में किया हुआ है, जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं तो सारा केस वहाँ भी पढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे थे यहाँ भी पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे। सो ये दोनों मेथड है, देखिए आप अगर चाहें तो एक सेकंड में बन जाएगा क्वेश्चन, एक सेकंड में, बस मुझे ऐसा देखा, क्वेश्चन देखा और आंसर बोला कि आंसर तो सी, वन सेकंड में भी, और अगर आप इसको पूरा बनाना चाहेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, बड़ा क्वेश्चन है, 10 मिनट लगेगा आपको पूरा बनाने में, सॉल्व करने में, और पूरा कॉन्सेप्ट, पुराना कॉन्सेप्ट भी यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन है एक सेकंड कैसे मैंने पहचान लिया, वो तो आसान है, आप यहाँ से ध्यान से देखें, ये जो लिखा हुआ टाइम लेस देन वी नॉट साइन थीटा बाई जी, तो वो मैं समझ गया कि ये जो टाइम लिखा हुआ है एक्स और वाई, वो टाइम इसके बीच में, मतलब आपका जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल में ये छोड़ दीजिए, इस जोन के बारे में नहीं बात कर रहा है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग, ये डिसेंड है, डिसेंट के बारे में नहीं बात कर रहा है, यह है एसेंट है, ये हम लोग बात कर रहे हैं कि यहां जब ऊपर चढ़ता है तो ये टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, ये एसेंट है, ये जो टाइम, ये इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट,
पढ़े हुए हैं प्रोजेक्टाइल में, आप जानते हैं कि टी लेस देन टाइम ऑफ द एसेंट, ये लिखा हुआ है, ये टाइम ऑफ एसेंट से छोटा, मतलब हमें पाथ को इधर ऐसे जाना है, ऐसे जाते वक्त हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो देखिए, मैं इसलिए पकड़ लिया कि इसका डायरेक्शन, सबका डायरेक्शन अलग है। ये बोल रहा है कि हमको जाना है माइनस जे, ये बोल रहा है हमको के जाना है, ये बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम हमको माइनस के जाना है, माइनस के, ये बोल रहा है आई जाना है। तो मैं डायरेक्शन से पकड़ लिया, वो मैं समझ गया कि वो इसको पार्टिकल को तो इधर भी ही रहना है, ऐसे ही रहना है। ये पार्टिकल एम है, उसका स्पीड ऐसे चल रहा है, वेलोसिटी ये हुआ, ये है ओरिजिन, ये ओरिजिन है। सो ओरिजिन के अबाउट अगर मैं ऐसे निकालूं, ठीक है, ऐसे मैं बात करूं कि ये मान लीजिए ओरिजिन से वेक्टर आर ले लिया, वेक्टर आर, सो आर क्रॉस एम वी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम अमाउंट ओ हो जाएगा आर और क्रॉस एम वी, आर क्रॉस एम वी, सो आर क्रॉस एम वी, ऐसे आर, आर हुआ आर, राइट हैंड फोर फिंगर, राइट हैंड फोर फिंगर टूअर्ड आर, आर क्रॉस एम वी, आर क्रॉस एम वी, मेरा थम चला गया अंदर, थम अंदर चला गया, ये तो कंफर्म है, थम अंदर गया तो ये हुआ माइनस के, ये तो कंफर्म श्योर है माइनस के है। इस तरह आप एक सेकंड में आप पहचानेंगे आंसर ये हो गया, वन सेकंड, क्योंकि ये सारा डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन देखिए अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन माइनस के है, इसका डायरेक्शन आई है। तो क्वेश्चन तो बस ऐसे देखा और देख पकड़ लेगा वो वही है। तो ये है यूनिट डायमेंशन, और वैक्टर में अगर बहुत एक्सपर्ट है आपका पूरा टाइम बच जाएगा। और अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो लग रहा है मेडिकल क्वेश्चन हो गया, छोटा सा क्वेश्चन, कुछ सेकंड का है, क्योंकि चारों में वेक्टर अलग है और डायरेक्शन से आप पकड़ लीजिएगा। हाँ, ये नॉलेज होना चाहिए, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट से छोटा, मतलब अभी चढ़ रहा है पार्टिकल, चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, चढ़ रहा है, इधर चला जाता है तो डिसेंट हो जाता, वो डाउन होना उसमें अलग हो जाता। अब है कि चलिए ये तो हम लोग शॉर्टकट मेथड है, अब हम लोग बनाते हैं, आपको बनाना होगा प्रोजेक्टाइल का, प्रोजेक्टाइल का खूब अच्छा नॉलेज होता तब बनेंगे आप उसका। चलिए आप स्टार्ट करते हैं, मैं सिखाऊंगा आपको, मैं सिखाऊंगा। चलिए मैं सिखाता हूँ आपको एकदम शुरू से, डे वन प्रोजेक्टाइल का फर्स्ट डे, फर्स्ट डे जब आप प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं और बोलते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये है प्रोजेक्टाइल, यहाँ इसका स्पीड है वी नॉट हुआ और ये एंगल थीटा है, ये आप तुरंत बोलते हैं कि इस साइड का स्पीड हुआ वी नॉट कॉस थीटा और इस साइड का स्पीड हुआ वी नॉट साइन थीटा। आप ये फर्स्ट डे प्रोजेक्टाइल में आप पढ़ते हैं, फर्स्ट डे की ये अंडर ग्रेविटी है, ये जी है। सो अगर वो सब याद है आपको तो बताइए, वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस वो हो गया वी नॉट कॉस थीटा, ये वी नॉट कॉस थीटा, बट वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस हो गया वो वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, माइनस जी टी, माइनस जी टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन निगेटिव की तरफ पढ़ा हुआ, पहले आप ये सब चीज़ें एकदम अच्छा रहता तभी ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो आप शॉर्टकट लीजिए, शॉर्टकट में तो एक सेकेंड में बन रहा है। बट आप साइंस को वो नहीं कि शॉर्टकट से नहीं साइंस पढ़ा जाता, आपको जानना भी पड़ेगा। सो इस तरह आपको वेलोसिटी जो होगा वो वेलोसिटी का मतलब हुआ वी एक्स इंटू वैक्टर आई प्लस वी वाई इंटू वैक्टर जे, ऐसे। और मीनिंग समझिएगा, वी एक्स क्या है, वी वाई क्या है, वो मैं लास्ट में पुट कर दूंगा, मुझे सॉल्व कराना है, मैं कराऊंगा, मैं नहीं कि छोड़ दूंगा आपको, मुझे सॉल्व कराना है। नेक्स्ट देखिए, अगर x कोऑर्डिनेट करेंगे, x कोऑर्डिनेट प्रोजेक्टाइल में, तो आपको पढ़ना था v नॉट cos थीटा इंटू t, प्रोजेक्टाइल का x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट जब पढ़ेंगे तो y कोऑर्डिनेट होता था v नॉट और sin थीटा इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, यह है एक्स एंड y कोऑर्डिनेट। और अगर आपको पोजिशन वैक्टर चाहिए तो पोजिशन वैक्टर आप ध्यान रखिएगा x इंटू आई प्लस वाई इंटू जे, एक्स का मीनिंग ध्यान रखिए, इतना बड़ा बड़ा टर्म है तो इसलिए मैं एक जगह लिख दे रहा हूँ। अब मैं सॉल्व करना सिखाता हूं आपको, चलिए टाइम है मेरा यहां पे टी, टी टाइम पे, ये एनी जनरल टाइम पे हम लोग ने बना लिया। और अब आइए एंगुलर मोमेंटम, चलिए। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, सो आर और क्रॉस एम बी, समझते रहिए। देखिए वेक्टर फॉर्म ले लीजिए, एम को बाहर निकाल दीजिए,
एम को बाहर निकाल लिया, आर का मतलब, आर का मतलब होता है एक्स आई प्लस वाई जे क्रॉस वी एक्स आई वी वाई जे, हो गया क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए। लास्ट में डाटा रखेंगे, डाटा लास्ट में, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा डाटा हम लोग लेके स्टार्ट से लेके नहीं चलेंगे, एंड में लिखते हैं हम लोग। चलिए इससे मल्टीप्लाई करिए, x इंटू वी एक्स, बट आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई जीरो। चलिए पूरा कर लीजिए, x इंटू वी वाई आई क्रॉस जे, लिखिए ना आपको, प्लस y इंटू वी एक्स जे क्रॉस आई प्लस y इंटू वी वाई जे क्रॉस जे, ठीक है। आई क्रॉस आई तो जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, आई क्रॉस जे, आई के बाद जे आता है तो ये है वेक्टर के, और जे क्रॉस आई माइनस वेक्टर के, हो गया। सो आपका फाइनली क्या बचा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम बचा, उसमें से वेक्टर के बाहर निकाल लीजिए, एक्स बचा वी वाई, और यहां देखिए माइनस वाई है इंटू वी एक्स, हो गया। पुट करें एक्स वी वाई, वाई वी एक्स, एक्स वी वाई। अब मैं इधर पुट कर दे रहा हूं। सो मेथड ये है कि आपको प्रोजेक्टाइल का स्पीड वेलोसिटी पता रहे, पोजीशन वेक्टर पता रहे, बाकी लास्ट में आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो सब कट जाएगा। आप देखते जाइए, यहाँ पे है m और ये है वेक्टर k, और जब आप पुट करेंगे x वी वाई, x ये है x और वी वाई, x वी वाई, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए x वी वाई, x वी वाई। सो v नॉट यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा t, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू t x वी वाई, और माइनस जी टी स्क्वायर वी नॉट कॉस थीटा। देखते जाइए एक्स वी वाई मल्टीप्लाई करिए, वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा टी, ये जाएगा इसमें माइनस वी नॉट और जी टी स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। वाई इंटू वाई कहाँ गया, वाई कहाँ गया, वाई, और वाई के साथ किसको, वी एक्स, माइनस इसको करिए ना, मल्टीप्लाई करिए इसमें, वी नॉट कॉस थीटा वी नॉट साइन थीटा इंटू टी, और यहां माइनस करिएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस। आप चेक कर लीजिएगा, आप चेक करते रहिए प्लीज, आप साथ साथ चेक करते रहिए, हाफ जी डी स्क्वायर और वी नॉट कॉस थीटा, साथ साथ चेक करते रहिए जैसे क्लास में आप चेक करते रहते हैं, कहीं मुझसे मिस्टेक ना हो, सो आप चेक करते रहिएगा। बढ़िए, क्या क्या कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, ये वाला डाटा कैंसिल हो गया, और देखिए आपका आंसर आ चुका है यहाँ m और वेक्टर के, और यहाँ से देखिए, यहाँ से निकालिएगा आप, ये है रुके जी टी स्क्वायर, मैं और क्लियर कर देता हूँ, वी नॉट कॉस थीटा, अगर आप देखेंगे तो 1/2 और माइनस वन, ये 1/2 माइनस वन। सो फाइनल आंसर एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन माइनस 1/2 एम जी वी नॉट टी स्क्वायर कॉस थीटा, सो माइनस 1/2 एम जी वी नॉट कॉस थीटा टी स्क्वायर, और वेक्टर हो गया के, यही तो था ऑप्शन में। सो बनाने का ये मेथड है, और फास्ट करने का डायरेक्शन।
उससे पता चल जाएगा। ये था क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन यही था, आईटी मेन का ही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन सबसे अच्छा था कैलकुलेट करने के लिए। बट दोबारा हो रहा है, होने दीजिए। साइंस तो हम लोग रिपीट रिपीट खूब रिपीट करेंगे तभी तो सीखेंगे। साइंस को सीखने का ये तरीका ही है, खूब प्रैक्टिस, मैक्सिमम प्रैक्टिस। सो ये हो गया मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन का, 2D मोशन में एंगुलर मोमेंटम फाइनल। एंड वन मोर लाइन, अगर आपको एक बुक से क्वेश्चन लेना हो, सो सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन। सो ये है आपका क्वेश्चन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। नाउ सेम पार्टिकल, वही पार्टिकल है, मास है, प्रोजेक्शन है वी नॉट, वही एंगल 45 डिग्री, और व्हेन व्हेन टाइम इज इक्वल टू लिखा हुआ है पेपर में वी नॉट बाय जी। जब वी नॉट बाय जी होगा देन उस समय पूछा हुआ है एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन। सो ऑप्शन में लिखा हुआ है, सो एंगुलर एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन ये पढ़ना है, पूछा जा रहा है। सो अब यहां सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने सब कुछ बना रखा है, आपके सामने आंसर है, आपने आंसर बनाया है कि एट टाइम टी पे एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो माइनस एम जी वी नॉट टी स्क्वायर कॉस थीटा वेक्टर के। पुट करें, ये जो आईटी मेन का क्वेश्चन था उसी से बन जाए, पुट कर लीजिए, माइनस हाफ एम जी वी नॉट टी स्क्वायर टी स्क्वायर। सो वी नॉट स्क्वायर बाय जी स्क्वायर कॉस 45 डिग्री बाय रूट टू वैक्टर के। सो एंगुलर मोमेंटम, सो जी कटा, यहां हो गया एम वी नॉट का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, एम वी नॉट का होल क्यूब, एम हुआ और एम हुआ जी कटा वी नॉट का क्यूब, नीचे में टू रूट टू, टू रूट टू नीचे में जी, और वेक्टर हो गया माइनस के। सो ऑप्शन में लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, चेक कर लीजिए, जी जी कैंसिल, एम वी नॉट क्यूब बाय जी टू रूट टू वेक्टर माइनस के हो गया। सो ये मेरा फाइनल, और इसमें मान लीजिए डायरेक्शन माइनस के, माइनस के किधर, आउटवर्ड की इनवर्ड, आपकी तरफ बोर्ड के अंदर माइनस के। सो आंसर में सर डायरेक्शन ना लिखा रहा है ऐसे, तो आप चेक करिएगा कि इनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे भी लिखा रहता है इनवर्ड डायरेक्शन। सो आज का एंगुलर मोमेंटम इतना ही है। सो एंगुलर मोमेंटम मेरा आज का कंप्लीट हुआ। एंगुलर मोमेंटम में हम लोगों को पढ़ना था 1D मोशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो मैंने कंप्लीट करा दिया, 2D मोशन हो गया। नेक्स्ट क्लास में सर्कुलर मोशन या रोटेटिंग में मैं पढ़ाऊंगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी 5-6 क्वेश्चन पूछा हुआ। सो हर टाइप का मोशन जो पहले आप पढ़ चुके हैं, रोटेशन वही है ही, आप जब आप स्लाइडिंग पढ़ रहे थे, रोलिंग पढ़ रहे थे, सारा मोशन तो वही न्यूटन लॉ ऑफ 1D मोशन, उसी को तो मैं इधर रोलिंग में कर रहा था, सारे मोशन स्लाइडिंग जो कॉपी में था, स्लाइडिंग मोशन, उसके बाद जस्ट रोलिंग मोशन, उसके बाद रोटेटिंग मोशन, सब चीज तो वही पुराने क्वेश्चन को इधर लाना था आपको। सो ये भी सब वही है, सर्कुलर को, 1D मोशन को, 2D मोशन को लाना है। अभी बहुत है एंगुलर मोमेंटम, बहुत है, ढेर सारा क्वेश्चन आता है, बट ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी। तो नेक्स्ट क्लास फिर कंटिन्यू करेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिए, खूब प्रैक्टिस करिए, खूब जो भी सोर्स है आपके पास, जो भी बुक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क आधा तो मैंने करा दिया है, और यही मेन चीज बचा हुआ एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, वही मेडिकल में खूब क्वेश्चन है।
सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत सारा था, वो मैं कर चुका हूँ, बट जो पार्ट बचा हो उसमें ये सबसे ज़्यादा आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास फिर डिस्कस करेंगे हम लोग।